नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा रेगुलर जो एपिसोड है भारतीयता का शंखनाद, उसी विषय में आज की डेट में पूरे भारत में एक युद्ध सा एक शब्द को लेके लड़ाई चल रहा है। खास करके जो राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग धर्म की है, पंथ की है, अलग अलग राज्यों से हैं, वो है सनातन धर्म। तो आखिर ऐसा क्या बात हुई कि आज सनातन धर्म को लेके लोगों को कष्ट होने लगा और लोगों ने इतने हजार साल बाद फिर से सनातन धर्म को लेके भी लड़ाई करना शुरू कर दिया। और ये बोलने के लिए कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म मानव मात्र के लिए अच्छा है, यह आज हमको बोलना पड़ रहा है कि सनातन धर्म किसी धर्म या पंथ या जाति से जुड़े नहीं है, ये सिर्फ मानव कल्याण के लिए है, जिसका नाम है सनातन धर्म और वो चिरंतन भी है। ये कहने का जरूरत भी नहीं है, क्यों? ये ना मैंने बनाया, ना आपने बनाया, ना उन्होंने बनाया, ना किसी ने बनाया, ये चिरंतन सत्य है, ये जीवनचर्या है एक अच्छा मनुष्य। जैसे वेद में कहा गया है मनोभाव, अच्छा मनुष्य बनो, इसका जैसे अर्थ है बी ए गुड ह्यूमन बींग। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, मानव हो, मनुष्य हो, इंसान हो, जिसको समाज में रहना है और एक डिसिप्लिन वे में अपना दिनचर्या निभाना है, तो उस व्यक्ति को सनातन धर्म की हर पहलू पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो सनातन धर्म है ये कोई धर्म नहीं है। यूं तो अगर हम माने धर्म क्या है, धारयते इति धर्म है, जो हम धारण करते हैं, जिसको हम धारण करते हैं, पहले ही बोला जीने का माध्यम है। तो मैं आज आपके सामने कुछ हमारा शास्त्रों में जो आज नहीं चिरंतन काल से जिसको इस समाज माना है, इस सभ्यता में, इस देश में, इस जाति में रहने वाले हजार सालों से मुनि ऋषि गण देवता सबने मान के आए हैं, ऐसे कुछ विषय को आपके सामने रखूंगा। जैसे कहा गया है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्ययो अष्टांग ज्ञानी। ये सनातन धर्म पर आज ऑल ऑफ ए सडन इतनी बड़ी विवाद क्यों छिड़ा गया, कौन किया, इसके पीछे क्या कारण है, ये राजनीतिक राजनीति से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति क्यों बोला, उसका काउंटर भी कोई राजनीतिक तत्व या राजनीति को मानने वाला किसी तत्व का व्यक्ति क्यों किया, इसको तो सनातन धर्म को राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं है। अब विपक्ष का, जैसे INDIA गठबंधन अभी नया नया बनी है, जिनका रोज लड़ाई हो रहा है, उनको तो सनातन धर्म को ऐसे लगता है जो उनके स्टेटमेंट से आ रहा है, मैं उस पर कह रहा हूं भाई, आप लोगों का मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन सनातन धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने की आप लोगों ने कसम खा रहे हैं। भाई क्यों, क्या उसमें लिखा है सनातन धर्म में कि आप BJP में हैं, आप DMK हैं, आप कांग्रेस से, ऐसा कुछ लिखा है क्या? ऐसा तो नहीं लिखा है ना ऐसा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समेत पूरे जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता पक्ष है, उन्होंने सनातन विरोधी पर विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया है। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर ये सनातन है
क्या जिस पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है, और इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं अपने प्रिय दर्शकों को इस बात पर उनके सामने चर्चा रखूं कि सनातन क्या है और इसके विरोध का कारण क्या है। अब जैसे नाम से ही जाहिर होता है कि सनातन का सात्विक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो है कंस्टेंट, यानी जो शाश्वत रहता है, स्थिर है, उसमें बदलाव नहीं होता है। तो फिर मन में सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या है जिसमें बदलाव ही नहीं होता है? अब इस प्रश्न का उत्तर छिपा है उसी श्लोक में जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। उसमें आपको मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांग यानी, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यही अष्टांगिक मार्ग है और यही सनातन धर्म की मूल आधार है। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि यम और नियम क्या है भाई, और यह क्यों नहीं बदल सकता है जिसकी वजह से इन्हें सनातन कहा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि नियम वो पांच प्रकार के हैं। पहला क्या है? खुद को साफ रखना, साफ मतलब स्वच्छ रखना, विचार स्वच्छ रखना, मन स्थिर रखना, संतोषी जीवन बिताना, अनुशासन में रहना। मैंने कहा था कि एक उत्तम पुरुष बनने के लिए, जैसे मनोभव वेदा में लिखा है, उत्तम पुरुष बनना है तो आपको अनुशासन में रहना ही पड़ेगा, और यह बात सनातन धर्म करता है। आपको अध्ययन और आस्थावन होना, यही यम भी पांच है। यह है दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाना। आप सोचिए, दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाना, यह बात कर रहा है सनातन धर्म। और क्या? सत्य बोलना है, सत्यंग वदः, यह वेद में लिखा है, सत्यंग वदः, चोरी नहीं करना, और बेहिसाब भोग भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज भगवान हमको इस धरती पे लाए हैं कि अच्छा घर में रहना, अच्छा गाड़ी चलाना, भोग करना, उसी में अपना समय को खराब कर देना, नहीं, ये नहीं। अपने आप को, फिर से कहूंगा, अपने आप को ठीक रास्ता में लेने का उपाय, लॉज थियोरीज लिखा हुआ है, सटीक रास्ता, सटीक मार्ग। और क्या कहता है कि जरूरत से ज्यादा, मैंने कहा, भोग नहीं करना, और जरूरत से ज्यादा संग्रह भी नहीं करना है। आपको पैसा बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। हमारा शास्त्र में लिखा है कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं उसमें अपने लिए कितना खर्चा करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करने वाला व्यक्तियों के लिए कितना खर्चा करेंगे, अपने भोग के लिए कितना खर्चा करेंगे, और दान कितना परसेंट करेंगे, ये हमारा शास्त्र में लिखा है। ना है कि हम अगर 1, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कमा लिया सब अपने पर ही खर्चा कर देना, नहीं, अपने कमाए हुआ धन भी अपना नहीं है। जितना अपना जरूरत है वो अपना है, जो अपना जरूरत नहीं है उसको समाज के संसाधन के लिए, प्राणियों की मंगल के लिए, समाज की मंगल के लिए, गरीब के लिए, समाज के उत्थान के लिए खर्चा करना है, ये बात सनातन धर्म करता है। और आप ध्यान रखिए, ये सारे सारी जो सभी नियम है मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, ये सारा नियम शाश्वत है,
शाश्वत है। और इसीलिए इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि यह सनातन है, इसको सनातन कहा गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़े नहीं है, उसमें कोई जाति नहीं है, उसमें सिर्फ मानविकता है। इतनी बड़ी बात पूरे विश्व में कहीं चला जाइए, किधर चला जाइए, कोई भी डेवलप्ड नेशन को आप चला जाइए, क्या ऐसा बात आपको मिलेगा क्या? छोटी एग्जाम्पल दूंगा, भारत की गांव में आप चला जाइए, अगर पड़ोस की घर में चावल बनता है, हमारा घर में 3 सब्जी बनती है, तो ऑटोमेटिकली हम जाके पड़ोस को दाल या सब्जी साझा करते हैं, या फेस्टिवल में कुछ होता है हम साझा करते हैं। ये आपको दूसरे देश में नहीं मिलेगा। कोई दुख हो तो उसके साथ देते हैं, सुख हो तो भी उसके साथ देते हैं। यहाँ मित्र कौन है, शत्रु कौन है, कैसे जीना है, समाज क्या है, समाज कल्याण, ये सब इसी भारत में ही मिलता है। इसीलिए इसी भारत में इसी सनातन धर्म का ही प्रयोग होता है, ठीक रास्ता में चलने का मार्ग इसी भारत में मिलता है। इसीलिए इसी भारत में ही इतने सारे मुनि ऋषि और विज्ञ व्यक्ति या वैज्ञानिक इसी भारत में ही पैदा हो पाए, और इसी भारत का ट्रेडिशनल नॉलेज बेस हो, आयुर्वेदा हो, उनानी हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, कथा हो, ये इस भारत में मिलता है। और ये सारे जो मैंने नाम लिया उस सब में सिर्फ एक ही बात कहा गया है, उसमें उसका मूलभूत आधार क्या है कि स्वस्थ रहना है, ठीक रास्ता में चलना है, डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना है। ये उसकी एक ब्रीफ आइडिया है, दिस इज ए आइडिया, क्या कि खुद को साफ रखना, ये कोई नया बात नहीं है। लेकिन क्या आप भारत की तरह अगर दूसरे कोई कंट्री में जाएंगे, आपको ऐसा कोई कहेगा क्या? वहां क्या बोलते हैं, अपना पैसा बढ़ाओ, अपना कंपनी का पैसा बढ़ाओ, अपना सुख ढूंढो, अपने बारे में सोचो, 18 साल के बाद बच्चों को अलग कर दो, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, ये सब कहाँ होता है? विदेशों में होता है। भारत में ऐसे परंपरा ना था, ना होना चाहिए। अगर हमको दिया गया पथ से अगर हम विच्युत होंगे, अलग होंगे, हमारा नेचर के खिलाफ अगर हम काम करेंगे, जो दिशा निर्देश भगवान हमारे लिए तय कर गया है, जो लाइन मानव कल्याण के लिए खींची गई है, जो लाइन पर्यावरण को बचाने के लिए खींची गई है, अगर हम उस लाइन को क्रॉस करेंगे तो क्लाइमेट चेंज जैसा दुख मानव को झेलना पड़ेगा। भाई ऐसा कौन सा देश है जहां पर वृक्ष को देवता के रूप में पूजा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहां नदी को मां की तरह पूजा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहां सूर्य को सूर्य भगवान की तरह पूजा जाता है और जल अर्पण किया जाता है? क्या इसमें भी कोई धर्म जुड़ी है? ना। उसमें अगर कोई भावना जुड़ी है तो वो है सिर्फ पूरे संसार में मानव कल्याण, जियो और जीने दो, खुद सुखी रहना, दूसरों का भी मंगल कामना करना, ये हमारा विरासत है, ये हमारा संस्कृति है, हम उससे कैसे हट सकते हैं? मैं कोई नया बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं कि खुद को साफ रखना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, अनुरुसंसता उसको मतलब नुरुसंस नहीं बनना, हिंसा नहीं करना, ये सारी बातें, ये सारे चीजें जो नियम आज से 1000-2000 साल पहले भी सही था और अब से 5000 साल बाद भी यही सही होंगे। एक और एग्जाम्पल बोलूंगा मैं आपको, भारत में हम जब उठते हैं अपना माँ बाप का चरण स्पर्श करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं,
सदगुरु की पूजा करते हैं, बात मानते हैं, दान करते हैं, उसको हम धर्म कहते हैं। तो वो जो धर्म है, वो धर्म कोई जाति या पंथ से नहीं जुड़ी है। यही बात मैं बार बार आपके सामने रखना चाहता हूं, और यही बात सनातन धर्म में लिखित है। यही बात तब था, आज है, आगे भी रहेगा, हम रहे या ना रहे, इसको चाहे कोई भी कितना बदनाम करे, सपोर्ट करे, अपोज करे, इसकी कोई उसकी कोई चेंज नहीं होने वाला है। अरे भाई, इस देश को मुगल से लेके कितने लोग विदेशों से आके आक्रमण किया, हमारा मंदिर को तोड़ दिया, हमारा संस्कृति को तोड़ने का कोशिश किया, धर्म परावर्तन के लिए कोशिश किया गया, सब तरह से कोशिश तब से हो रहा था, आज भी हो रहा है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये भारतवर्ष में ये जो चिरंतन सत्य है, इस सत्य को आप मिथ्या बना पाए? क्या इस विरासत को आप तोड़ने में सक्षम हुए? एक राम मरा, एक राम गया, एक विवेकानंद गया, एक गांधी गया, एक विनोबा भावे गया, एक रामकृष्ण गया, तो दूसरा पैदा हो गया। यहां तो रोम रोम में राम है। हम तो आज हम यह मान के चलते हैं, जो तेरे में है वो मेरे में है, जो प्राण में है वो पिंड में है। हम तो ये भावना लेके चलते हैं, और दुनिया का बुरे से बुरा आदमी भी आज गंदगी में रहने, चोरी करने, झूठ बोलने, अनावश्यक हिंसा करने, अराजक व्यवहार करने जैसी बातों को सही नहीं ठहरा सकता है। ये हमारा देश में, भारतवर्ष में नहीं प्रचलित हो सकता है। यही बात करता है सनातन धर्म। यह प्रश्न उठता है कि इसका विरोध क्यों नहीं, क्यों विरोध क्यों किया जा रहा है? तो इसका उत्तर मैं आपके सामने मित्र यह रखना चाहता हूं कि विरोध करने वाले लोगों को सनातन धर्म के इस मूल सिद्धांत के बारे में या तो पता नहीं है, या फिर वो इसके बारे में जानते हुए भी झूठ फैला रहे हैं। एक छोटे से छोटे अपने एक स्वार्थ के लिए, अपने पार्टी के लिए, एक छोटे से पॉलिटिकल वोट पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, एक मेरा आपसे अनुरोध है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इतना बड़ा देश का इतना बड़ा चिरंतन सत्य को राजनीति में मत लाइए। उदय निधि स्टालिन जैसे लोगों सनातन धर्म को धार्मिक कुरीतियों से जोड़कर इसे खत्म करने की अपील की है। मुझे तो इस बात को बोलने के लिए भी शर्म आता है कि ये भारत में ये बात हमको आज एक्सप्लेन करना पड़ रहा है हमको, और ये भारत की नेता है जिनको इस देश की लोगों ने चुना है, उस तरह से उन लोगों को जो वो अपने आप को नेता बताते हैं, उनकी कैसा मानसिकता है आप लोग सोच सकते हैं? ऐसा हीन मानसिकता है आपकी? अरे इतनी बड़ी सत्य है, आपके दादा परदादा परदादा उनके बारे में सोचिए, क्या वो ऐसे बोलते थे जो आज आप बात कर रहे हैं, छोटी सी स्वार्थ साधन के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए? लेकिन सनातन को खत्म करने का तो एक ही तरीका है, आप झूठ बोलने लगे, चोरी करें, व्यभिचार करें, जो भी सामने देखे उसे मार डाले, गंदगी के ढेर में रहे। क्या उदयनिधि और डीएम के दूसरे नेता ऐसा करने के लिए तैयार है? मैं आज पूछना चाहता हूं, ये सारा काम आप करेंगे क्या? क्योंकि यदि वो अपने समर्थकों से इस तरह की उम्मीद रखते हैं, तो पहले उन्हें स्वयं ही उस पर अमल करके देखना होगा, गंदगी में रहना होगा, चोरी डाका डालना होगा, परिवार और घर से दूरी बनानी होगी, अराजक और हिंसक बनना होगा। क्या उदयनिधि और उनके पिता ऐसे कर पाएंगे? डीएमके के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे जैसे लोग जिस जाति प्रथा और असमानता की आड़ लेकर सनातन धर्म और पर सनातन धर्म पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, वह सनातन परंपराओं को हिस्सा ही नहीं है। बातें कर रहे हैं, क्या कोई मूर्ख भी ऐसा बात कर सकता है क्या? आखिर सनातन आपकी क्या बिगाड़ा है? सनातन तो
संसार के समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्मा का निवास मानता है और सार्वभौमिक ईश्वरत्व में विश्वास करता है और वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और अभी अभी आपने देखा न्यू दिल्ली में जो G20 का हुआ, उसका स्लोगान भी स्वयं प्रधानमंत्री ने यही रखा, वन अर्थ वन फैमिली। गैर बराबरी और वर्ग भेद जैसी कुरीतियां देश काल स्थान के हिसाब से बदलती गई और सनातन धर्म में इसी तरह की कुरीतियों को खत्म करने का सेल्फ करेक्शन सिस्टम मौजूद है और यही वजह है कि आज छुआछूत की परंपरा लगभग नष्ट हो गई है। लेकिन विपक्ष को तो राजनीति करनी है और सनातन धर्म पर हमला करने का बहाने से देश को उत्तर दक्षिण हिंदी तमिल आर्य द्राविड इस तरह से विभाजनकारी शब्द को चयन करके उसको बांटकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कितना शर्मनाक बात है ये भाई। आपको राजनीति करना है आप करिए, लेकिन कृपया करके हमारा जो आस्था का प्रतीक है, जीने का राह है, उस पे प्रहार मत करिए। अगर प्रहार करेंगे भी आप विफल रहेंगे, आप सफल कते नहीं रहेंगे। अतीत में अनेक ने प्रयास किया, उन्होंने भी विफल हुआ है। मित्रों, सनातन धर्म दुनिया के सबसे पुराना धर्मों में एक है जिसका समृद्ध इतिहास हजार लाखों साल पुराना है। यह ना केवल समय की कसौटी पर खड़ा उतरा है बल्कि अपनी उद्गम भूमि भारत में फल फूल रहा है। तेजी से बदलती दुनिया में भारत में सनातन धर्म की प्रासंगिकता कई कारणों से आज महत्वपूर्ण बन गई है और सनातन धर्म भारत की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरे मैं आज बोलना चाहता हूं, हमारा पूरा मानव जाति को देश को जोड़ने का सूत्र अगर कुछ है तो वो है सनातन धर्म। इस देश में अगर आज भाईचारा बचा हुआ है, शांति बचा हुआ है, तो केवल मात्र कारण है कि सनातन धर्म है। यह देश की संस्कृति के आधार के रूप में कार्य करता है, यह आपको मानना पड़ेगा। इसकी विविध आबादी के बीच एकता भावना प्रदान करता है, यह आपको मानना पड़ेगा। विविधता में एकता, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अलग भाषा अलग भेष, फिर भी अपना माटी अपना देश, यह है सनातन धर्म। देश के विशाल धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों के बावजूद सनातन धर्म के मूल मूल्य और परंपरा एक सामान्य धागे के रूप में कार्य करती है, ये बात आप मत भूलिए। जो लोगों को एक साथ बांधती है, आप उस धागा को काटने का कोशिश मत करिए। कोशिश करेंगे, मैंने फिर कहूंगा कि आप विफल रहेंगे। मित्र, सनातन धर्म नैतिक एवं नैतिक आचरण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इसकी शिक्षाएं क्या है? करुणा, सत्यता, अहिंसा, आत्मानुशासन, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं, जोर देता हूं। ये सिद्धांत बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और समाज के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में काम करते हैं। एक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इन नैतिक दिशा निर्देशों की प्रासंगिकता व्यक्तिगत जीवन और शासन दोनों में उनके अनुप्रयोग में स्पष्ट है। अरे, आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति की खोज सनातन धर्म की केंद्र में है। यह आत्म खोज और ज्ञानोदय की दिशा में व्यक्ति की अनूठी यात्रा को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक पंथों और प्रथाओं की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। योग, ध्यान, भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन आंतरिक शांति और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए व्यवहारिक उपकरण प्रदान करता है। तेज तरार और भौतिकवादी दुनिया में ये शिक्षाएं जीवन की गहरी समझ चाहने वालों को सांत्वना और उद्देश्य प्रदान करती है। आप देखे होंगे, हर कोई विचलित है, व्यथित है,
सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करते जा रहा है, पैसा कमाना है, भागना है, भागना है, दवाई खा के बाथरूम जाना, दवाई खा के सोना, दवाई खा के उठना, ये कोई जीवन है क्या वाला? क्यों? क्योंकि हम अपने रूट से दूर हो रहे हैं और हमको अपने रूट से और दूर करने के लिए ये पॉलिटिकल लोग आज फिर से लगे हैं। इसलिए समाज को और आज की जो यंग जनरेशन है उनको जागना पड़ेगा। हमको अपने परिवार में, अपने घर में अपने बच्चों को पहले सतर्क करना पड़ेगा इन चीजों को, इन तत्वों से दूर रहिए। सनातन धर्म में प्रकृति के सम्मान और संरक्षण का जोर दिया गया, जैसे मैंने कहा कि नदी हो, जंगल हो, सूर्य हो, हम उनकी पूजा करते क्योंकि उसका एक वैज्ञानिक कारण है। सभी जीवित प्राणियों को अंतर संबंध में विश्वास और पर्यावरण के प्रति श्रद्धा उसकी शिक्षाओं का अभिन्न अंग है। यह पर्यावरण अनुकूल विश्व दृष्टिकोण आज अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि दुनिया गंभीर पर्यावरण चुनौतियों का सामना करती है। पर्यावरण संवर्धन पर सनातन धर्म की शिक्षाएं ग्रंथ की रक्षा करना एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने का मार्गदर्शन करती है। आप हमारा वेद पढ़िए, उसमें क्लियरली लिखा है, चारों वेदों में पर्यावरण कैसे बच सकता है, मानव कल्याण कैसे हो सकता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सारा चीजों को आज तक हम मानने मान के आए हैं। इसीलिए भारत विश्व गुरु है। उस दिन जिस दिन इस देश की संतों को कोई पूछता नहीं था, उस दिन स्वामी विवेकानंद ने जब शुरू किया, ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तालियों की गुंज उठी। भगवा कपड़ा पहन के भारत के कृषि, तब भी उनको सम्मान मिला था अमेरिका में, शिकागो में। सनातन धर्म की शिक्षा सभी व्यक्तियों के बीच समानता के विचार को बढ़ावा देता है। समानता के विचार और क्या, जाति पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव की सनातन धर्म निंदा करता है। और क्या चाहिए आपको? आज भारतीय समाज में, आधुनिक समाज में सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता, इसी को बढ़ा देने का प्रयास शिक्षाओं की प्रासंगिकता का स्पष्ट है। सनातन धर्म स्वास्थ्य प्रथाओं को शामिल करता है जो शरीर मन आत्मा की भलाई पर केंद्रित करता है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, मन को कैसे शांत रखना, आत्मा को कैसे करना, मन को कैसे कंट्रोल करना। हमारा आयुर्वेद चिकित्सा एक प्राचीन प्रणाली उनानी, ये गहराई से अपने अंदर वो काम करता है। एक मनुष्य की सामग्रिक विकास कैसे होगा, उसकी बुद्धि के विकास कैसे होगा, उसके बुद्धि को सही रास्ते में कैसे चलाना है, उसकी गाइडलाइंस क्या है, रूल्स क्या है, ये जो रूल्स है ये जीने का राह है। डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन समाज, डिसिप्लिन देश, एकाठी रहना, सबके साथ रहना, सबका विकास करना, यही सनातन धर्म का कहना है। मैं अपने सारे ऐसे जितने राजनीतिक व्यक्ति हैं जो इस बात को लेकर आज कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मैंने उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी मत करिए। पहले समाज सनातन धर्म को पढ़िए, समझिए और उसको अपने रास्ता पे छोड़ दीजिए। आपको जहां राजनीति करना है आप वो करिए। मैं तो यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् सुखवाग् दुःखवाग् भवेत्। यही हमारा ध्येय है, मानवीयता का राह है। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।